हरे कृष्णा डिवोटीज। सो आज हमारे घर में हरिनाम संकीर्तन है, और तो आज मैंने इसके ऊपर एक ब्लॉग बनाया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो यहाँ पर अभी सुबह के 5:30 बज रहे हैं और मैं अपना जपा करने बैठ चुकी हूँ, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में जो अच्छा जपा होता है, आई डोंट थिंक कि वो पूरे दिन में हो पाता है। तो यहाँ मैं अपना जपा कंप्लीट करके उठ चुकी हूँ, अभी 6:30 हो रहा है। सफाई करूँगी सारे घर में। सो हरे कृष्णा अगेन। सो मैं अभी नहा चुकी हूँ और अभी मैं कर रही हूँ अपने मंदिर की सफाई, ताकि मैं अपने कृष्णा को और जो भी हमारे मैं अपने मंदिर में देवी देवता रखती हूँ उनको मैं यहाँ पर विराजमान करा सकूँ। सो चलिए मंदिर साफ करते हैं साथ। तो यहाँ मैं अपने पूरे मंदिर को फटाफट से साफ करके, मैंने यहाँ पर मंदिर का कपड़ा भी आज चेंज किया है ताकि सब अच्छे से, क्योंकि काफ़ी टाइम से मैंने क्लीन नहीं किया था, तो आज मैंने सोचा कि मैं आज क्लीन कर देती हूँ। तो अभी बारी आई है मेरे कृष्णा को स्नान कराने की। एक्चुअली ठंड बहुत ज़्यादा है तो मैं गर्म पानी से स्नान कराती हूँ कृष्णा को। तो यहाँ ब्लॉग थोड़ा सा बड़ा होने वाला है, क्योंकि यहाँ मैं आपको दिखाऊँगी भी कि मैं अपने कृष्णा को कैसे रेडी करती हूँ, और आज मैं जो माता जी आएंगे मैं उनके लिए क्या बनाऊंगी, कृष्णा को मैं भोग कैसे लगाती हूँ। इवन मैं यहाँ पर सब मेंशन करूँगी, जब हम भोग लगाते हैं तो कौन से मंत्र रिसाइट करते हैं, प्रसादम पाते हैं तो कौन से मंत्र रिसाइट करते हैं, तो वो सब मैं यहाँ पर मेंशन करूँगी। आई होप आपको वो हेल्पफुल हो, और जिसको नहीं पता हो तो सबको पता ही होगा मोस्टली, बट या मैं ऐड कर दूँगी, मेंशन कर दूँगी यहाँ पर। तो इस बार मैंने अपने कृष्णा की जब आईज़ बनाई थी तो बहुत प्यारी से, खुद से बहुत अच्छा सा बना था। अदरवाइज़ मेरे से सम टाइम्स ऐसा होता है कि मैं गड़बड़ कर ही देती हूँ और हो ही जाता है। तो यहाँ आज कृष्णा इतने प्यारे लग रहे थे, आई होप आप लोगों को दिख भी रहे होंगे, इतने क्यूट से छोटू सा बच्चा जैसे लग रहे थे। तो बस मुझे लगता है कि मेरी नज़र ना लगे इनको। तो यहाँ मैंने कृष्णा को उनको रेडी किया अच्छे से, और यहाँ मैं पूजा कर रही हूँ। तो यहाँ तुलसी आरती हो चुकी है और अभी मैं लगाऊंगी कृष्णा को ब्रेकफास्ट का भोग, पोहा विद दूध एंड फ्रूट्स। भोग लगाने के बाद मैं कम से कम 5-10 मिनट तक के लिए मैं रखती हूँ आराम से, और यहाँ पर मैं मेंशन भी करूँगी क्या क्या मंत्र मैं रिसाइट करती हूँ। और जब तक मैं अपने हाथ से भोग ना लगाती हूँ तो मुझे तसल्ली नहीं पड़ती है, तो इसलिए मैं अपने हाथ से भी खिलाती हूँ। तो सब मैं भोग मिलाकर मैं अभी दे रही हूँ अपने बड़े भाई को ब्रेकफास्ट, छोटे भाई को ब्रेकफास्ट, एंड देन मैं और मेरी माताश्री हम दोनों साथ में बैठ के खाएंगे। तो यहाँ मम्मी अभी हम लोग ज़्यादा एंजॉय करेंगे। तो यहाँ हम सब ने ब्रेकफास्ट कर लिया है और अभी बैक टू वर्क। सो यहाँ मैं काम इसलिए कर रही हूँ, और तो मैं इतना करती नहीं हूँ, बट आज मैं इसलिए ज़्यादा कर रही हूँ क्योंकि घर में माता जी आएंगे, कीर्तन होगा, तो प्रसादम बनाना है। सो मम्मी के साथ मैंने आज थोड़ा सा हेल्प किया है। तो यहाँ पर मैंने टमाटर को मैंने ग्राइंड किया है, क्योंकि काफ़ी सारे टमाटर थे तो नहीं हो पाता एक साथ कट, तो मैंने ग्राइंड कर लिया। तो एक साइड मैंने राइस को चढ़ा दिया था और यहाँ पर काफ़ी सारी ग्रीन चिलीज मैंने कट किए हैं। तो यहाँ मैं अब लगाऊंगी, मैंने छोले पहले ही बॉईल कर लिए थे, तो अभी मैं छोलों में मैं तड़का लगाने वाली हूँ। और काफ़ी विदाउट अनियन गार्लिक है सब कुछ, और हमारे घर में सब विदाउट अनियन गार्लिक ही बनता है, तो मैं बार बार नहीं बताऊंगी तो इसलिए मैं एक बार ही बता देती हूँ कि सब विदाउट अनियन गार्लिक है। तो यस, यहाँ पर राइस हो चुके हैं और छोलों में भी ऑलमोस्ट तड़का लग चुका है, और यहाँ पर छोले रेडी हैं, राइस रेडी हैं, तो अभी हम बनाएंगे मटर पनीर।
ऑल्दो मैंने यहाँ से जो भी यहाँ पर जो भी मैंने स्पाइसेस यूज़ किए हैं सब वो विदाउट एनी गार्लिक ही है। तो यहाँ पर मैंने अपने पनीर क्यूब्स को थोड़ा सा फ्राई किया है, और अभी मैं क्योंकि टमाटर मैंने पहले ही ग्राइंड कर लिया था तो बहुत तो ईजी हो गया था मुझे काफ़ी चीज़ें बनाने में। तो यहाँ पर मैंने जो भी स्पाइसेस यूज़ किए हैं सब मैं मेंशन कर दूँगी। और यस, यहाँ पर ऑलमोस्ट मटर पनीर भी रेडी है। और मेरा क्या है कि मैं जब भी कुछ बनाती हूँ उसमें मैं काफ़ी सारा कोरिएंडर डालती हूँ, क्योंकि कोरिएंडर से ना थोड़ा सा जो भी हम सब्ज़ी बनाते हैं जो भी चीज़ बनाते हैं लाइक उसमें थोड़ा सा शाइनिंग हो जाता है और काफ़ी अच्छा भी लगता है, अच्छा लुक आता है। तो यस, मैंने यहाँ पर काफ़ी सारा मैंने हरा धनिया मैंने यहाँ पर यूज़ किया है, तो सब रेडी है। यहाँ पर मम्मी ने बनाया है आलू गोभी की सब्ज़ी, तो वो भी रेडी है, और यहाँ खीर भी रेडी है। तो ऑलमोस्ट सब रेडी है और बस अभी रह चुका है पूरी उतारना। तो खीर रेडी है, आलू गोभी की सब्ज़ी रेडी है, यहाँ मटर पनीर भी रेडी है, और यहाँ पर राइस भी रेडी हो चुके हैं, और यहाँ छोले। यस, तो ऑलमोस्ट सारा प्रसादम रेडी है। अब माता जी आ गए हैं, हरे कृष्णा। अभी और माता जी आएंगे, देन हम उनका वेलकम करेंगे और फिर हरि नाम करेंगे, हरि बोल। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारी बातें कर रही थी माता जी से, और मुझे कृष्णा को भोग भी लगाना था, तो मैंने सारे कृष्णा के जो भी बर्तन थे सब साफ़ करके अच्छे से उनके लिए मैंने प्लेट सजाया, और अच्छे से मैंने साफ़ किया था क्योंकि मैं पीतांबरी से साफ़ करती हूँ। तो यह सारा सब रेडी करके यहाँ मैं सभी जो भी मैंने बनाया सब पर मैं तुलसी पत्र रखूँगी, और फिर मैं कृष्णा को भोग लगाऊँगी। आई होप मेरे गोविंद को अच्छा लगे क्योंकि बहुत प्रेम से बनाया है मैंने उनके लिए, सो आई विश कि उनको अच्छा लगे। सो भोग लगाते हैं। तो यहाँ पर जो भी मंत्र रिसाइट किए जाएंगे वो मैं आपको स्क्रीन पे दिखा दूँगी। तो आप जब भी अपने कृष्णा को भोग लगाएं तो 3 times उनको बोलें और तब उनको भोग लगाएं, और आफ्टर 5 or 10 minutes बाद आप पर्दे को हटाकर, और पर्दा हटाने से पहले आप तो ताली बजा दें या फिर घंटी बजा कर उठाएं। तो ये पैटर्न है। तो यहाँ पर मैं 10 minutes के लिए पर्दा बंद रखूँगी, और यहाँ 10 minutes हो भी चुके हैं तो अभी मैं पर्दा हटाऊँगी। तो यस, आप लोग देखिए आराम से कि मैं अपने कृष्णा को कैसे भोग लगाती हूँ। आई नो कि मुझे इतना कुछ अच्छे से नहीं आता है, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं उनके लिए करूँ जो भी मेरे से हो पाता है, और तो मैं कुछ नहीं करती हूँ, सब वो ही करते हैं। और ये जो संकीर्तन का अरेंजमेंट था कुछ प्लान नहीं था, नथिंग, ज़ीरो। एक दिन पहले सबका प्लान बना और मुझे नहीं पता कि कैसे सब अरेंजमेंट हो गया, और यस, सब डन हो गया अच्छे से। तो सब कृष्णा की मर्ज़ी है, उनको जब जो कराना होता है वो बहुत आराम से कराते हैं, हमें पता भी नहीं चलता है। तो यही है कृष्णा। तो यहाँ पर वो अपना खाना इंजॉय कर रहे हैं अच्छे से। यस, हरि बोल। देखो यहाँ पर माता जी क्या कर रहे हैं, वो वीडियो रिकॉर्ड नहीं करवाने दे रहे हैं। तो आप मुझे बताओ कि आपको कैसे लग रहा है कृष्णा को लेकर। ये देखो कैसे लिया हुआ है, छोटे दिखाओ तो। अभी माता जी बहुत ही बेकार करताल बजा रही थी तो कृष्णा के कान में दर्द हो गया, आपने पास रख लिया है। ओ सो सॉरी माता जी, मैं नहीं बज जाऊंगी, मुझे पता है कि बेइज्जती तो हो ही रही है मेरी, बट ठीक है चलेगा, क्या ही कर सकते हैं। और हरि बोल, हरि कृष्णा। बस अभी हम जा रहे हैं और माता जी इसको लेने आ चुके हैं, और उसके बाद हम क्या करेंगे, हरि नाम संकीर्तन, हरि बोल, हरि बोल। सो बने रहिएगा आगे देखने के लिए। हरि कृष्णा, हरि कृष्णा। तो बस जल्दी जल्दी चलते हैं, आ जाओ आ जाओ। देखो ये आ गए सब लोग, हरे कृष्णा सारा ब्लॉग। हरे कृष्णा, आज हम किस लिए सब लोग एक साथ आए हैं, हरि नाम संकीर्तन के लिए। हरि हरि बोल। टाइम का जो सबर है वो खत्म हुआ, हरि बोल। तो यहाँ पर कीर्तन स्टार्ट हो चुका है, तो आप पूरा सुनिएगा। Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama.
यहाँ प्रसादन चल रहा है। गीत मेहता जी और मंशित मेहता जी, ईशा मेहता जी, हर्षिता मेहता जी। तो यहाँ पर प्रसादम ग्रहण करने से पहले हम लोग जो मंत्र रिसाइट करते हैं वो मैंने मंत्र आपको स्क्रीन पे दिखाया है, तो आप उसको रिसाइट करने के बाद ही प्रसादम पाएं। तो यहाँ पर हमारा प्रसादम हो चुका है, माता जी पा रहे हैं। सो माता जी बताओ कैसा लगा प्रसादम? हर्षिता माता जी जल्दी जल्दी बताओ। सुपर से भी ऑसम। हां बहुत डन, मेरे लिए बस आंसर ही नहीं है। बस आ गया, बहुत मजेदार पकड़ी। कौन खा लो, लो हो गया। आओ जल्दी आओ। बहुत सुंदर था, लाल मिर्च से सजाया हुआ। और भाई साहब नहीं सजाया हुआ, तीखा नहीं था वो, इनको लगा, लेकिन बहुत सुंदर था। और पनीर से और मटर से और छोटे छोटे और बड़े बादाम, हाँ छोटे बच्चे बादाम, हाँ उनसे सजाया हुआ था। भाई बहुत ही अम्मी, खीर बहुत टेस्टी थी, पनीर की सब्जी बहुत बिल्कुल टेम्पल। छोड़ो वो सब छोड़ो, कृष्णा कैसे लग रहे थे? बहुत सुंदर, कोई वर्ड नहीं, आज बहुत सुंदर सजे हैं, बहुत तकड़े करते हैं। तो यहाँ पर अभी रितु माता जी जा रहे हैं, तो बाय कर देते हैं। बाय, हरी बोल, हरे कृष्णा, गाइस बाय रितु माता जी, बाय माता जी, कल मिलते हैं टेंपल में। कल सब मिलते हैं, कल क्या है संडे रैपिडो वाला आपको। अच्छा चार्ज वगैरह तो नहीं लगते? हाँ बोलो बोलो, कहाँ हो भाई, दिख तो नहीं रहे हो आप, पूरा यही खोल दिया। तो चलो 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 जल्दी चलो, छोड़ कर आते हैं, लो बैग वाला। मुझे मजा नहीं आया, ये अभी अभी बहुत ही ज्यादा उसमें से निकली हुई है, एक्सटेसी में से। कचरा आ गया, बदला उसे पे हो जाओ माता जी। मुझे क्या था, तो खेकने पीछे ही खा गया। हाँ मैं माता जी जा रहे हैं। हेलो माता जी, जाओ अभी जाओ, गले मिल लो भैया। बाबुल का ये घर दो दिन अभी नहीं जा रही हूँ भाई। तो फिर यहाँ पे भी हो रही है, बिल्कुल सही कह रहे हो माता जी, सबको लगता है कि हम बहुत ज्यादा क्लोज है, बट ऐसा कुछ नहीं है, बातें कर लाइव टेलीकास्ट, वो तो लाइव तो यहाँ पर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कौन कैसे कौन से जुड़ा है। सो यस यहाँ पर सोके स्टोरी बता रहे हैं। अभी सब माता जी जा रहे हैं, यहाँ सब पैकिंग चल रही है। सो माता जी बहुत ज्यादा भारी हो गया, मोटा हो गया बैग, जाने नहीं बन जाए। हमारी माता जी हैं,
और यहाँ हम लोग अपना ब्लॉग एंड कर रहे हैं। आज घर पे क्या था, हरिनाम, तो बहुत अच्छे से हुआ। और थैंक यू सो मच माता जी, आप लोग आए, थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग अस। थैंक यू सो मच। और ईशा माता जी की मम्मी का फोन आ रहा है पर वो उठा नहीं रही है। चलो ठीक है, आप लोग आराम से घर पहुंचना। Okay. और घर पहुंच के आप लोग ग्रुप में मैसेज डाल देना एक बार, ठीक है? और अभी दर्शन, आप कपड़े पहन लेना, हम इतने मोटे मोटे पहन के खड़े हो रहे हैं और हमें कुछ नहीं पहना, ठीक है? चलो ठीक है, फोटो क्लिक कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे बोल।